हेलो एवरीवन, ये वीडियो विशम सैनी के एक फेमस पार्टीशन नैरेटिव द ट्रेन हैज रीच्ड अमृतसर से रिलेटेड है। इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू प्रेजेंट द इंट्रोडक्शन कैरेक्टर्स एंड समरी ऑफ दिस स्टोरी। विशम सिंह एक प्रोलिफिक राइटर, ट्रांसलेटर और प्ले राइटर 20th सेंचुरी के। इनका जन्म रावलपिंडी, जो कि अब पाकिस्तान में, वहाँ हुआ था और ये अपने एक बेस्ट नॉवल तमस के लिए जाने जाते हैं, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन 1988 में हुआ और विच रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर पोर्टिंग कम्युनल राइट्स आफ्टर द पार्टीशन ऑफ 1947। सो 1947 के पार्टीशन में जो कम्युनल राइट हुए थे, उसी से रिलेटेड इस नॉवल में डिस्कशन है। और इसके पब्लिकेशन के बाद यह नॉवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। He was multilingual writer who wrote in Punjabi, English, Sanskrit and Russian. Bisham Saini एक multilingual writer थे जो कि पंजाबी, English, Sanskrit और रशिया में भी लिखे। He also translated Tolstoy Resurrection. He received 2 Sahitya Akademi Awards as well as Madhya Pradesh Kala Sahitya. He was awarded the Padma Bhushan for the literature 1998. So इन्होंने Tolstoy का एक famous work जिसका नाम Resurrection है, उसका भी translation किया और साथ ही इन्हें 2 साहित्य अकादमी अवार्ड मिले और मध्य प्रदेश कला साहित्य का अवार्ड भी मिला। उन्हें 1998 में पद्म विभूषण का अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बिशम सैनी का जो स्टोरी है द ट्रेन हैज रीच्ड अमृतसर, वो ओरिजिनली उसका जो टाइटल है वो अमृतसर आ गया है और इसी का ये ट्रांसलेटेड वर्जन है द ट्रेन हैज रीच्ड अमृतसर। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फेमस शॉर्ट फिक्शन नैरेटिव और इसका जो पार्टीशन नैरेटिव का जब आप बात आता है तो इसमें ये फेमस पार्टीशन नैरेटिव के रूप में आता है। इस स्टोरी के जो बैकग्राउंड है वो 1947 का पार्टीशन है, जिसके कारण इंडिया से कट करके पाकिस्तान एज ए कंट्री के रूप में उसका फॉर्मेशन हुआ था। सो उसी पे ये बेस्ड है एंड इट प्रेजेंट्स द स्पिरिट ऑफ कम्युनलिज्म इन द फॉर्म ऑफ राइट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन के टाइम में दोनों साइड में जो कम्युनल राइट हुए उससे रिलेटेड उसका क्या इम्पैक्ट रहा, सो इस स्टोरी में भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा। ये जो स्टोरी है वो माइंड के साइकोलॉजिकल स्टेट को भी दिखाता है, जिसमें आप देखेंगे कि जब जब ट्रेन पाकिस्तान से शुरू होकर के इंडिया पहुंचता है, वो उसका लास्ट डेस्टिनेशन दिल्ली है, तो देखेंगे जब ट्रेन पाकिस्तान वाले एरिया में रहता है तो आप देखेंगे जो मुस्लिम पैसेंजर वो उस ट्रेन में एज ए डोमिनेटेड पोजीशन में है। वहीं जब ट्रेन बॉर्डर क्रॉस कर इंडिया आता है, देन आप पाएंगे कि जो सिख और जो हिंदू पैसेंजर है उसमें वो एक डोमिनेटेड पोजीशन में आते हैं और पाकिस्तान साइड में हिंदू या सिख वो डरे डरे से रहते हैं। वहीं जब वो ट्रेन इंडियन बॉर्डर में आ जाता है, देन जो वीकनेस है वो पाकिस्तान जो भी मुस्लिम पैसेंजर उन पे आ जाता है। हियर इज द लिस्ट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। और इस स्टोरी में कोई भी ऐसा सिंगल कैरेक्टर नहीं है जिसका एक प्रॉपर नाम हो। एक तो इसमें जो नैरेटर है जो कि स्टोरी को नैरेट कर रहे हैं, सो ही ट्रेवल्स विद द अदर पैसेंजर फ्रॉम पाकिस्तान टू दिल्ली। सो द ट्रेन पाकिस्तान से दिल्ली आ रहा है, सो उसी में वो नैरेटर भी है, उसी सेम कंपार्टमेंट में, ट्रेन के सेम कंपार्टमेंट। वहीं एक सरदार जी है जो कि एक सिख है और एक सोल्जर भी रह चुके हैं। जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ था तो उसमें उन्होंने एज ए सोल्जर के रूप में भी काम किया था। 3 पठान है उस ट्रेन में, सेम कंपार्टमेंट में, एंड दे आर मुस्लिम ट्रेडर्स एंड दे आर गोइंग टू दिल्ली। अबाबू इज इज फ्रॉम पिशावर एंड इन द सेम कंपार्टमेंट, एंड ओल्ड वुमेन वो एक रिलीजियस वुमेन है जो कि सेम कंपार्टमेंट में, वही जो अदर पैसेंजर्स है कंपार्टमेंट में। साथ ही साथ एक हिंदू फैमिली देखने को मिलेगा और एक मुस्लिम फैमिली देखने को मिलेगा इस स्टोरी में। द स्टोरी बिगिंस इन अ कंपार्टमेंट ऑफ ए ट्रेन। सो स्टोरी का जो बिगनिंग है वो एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में शुरू होता है। नरेटर वहाँ बैठे हुए और जो भी अदर पैसेंजर है सब लोग वहाँ बैठे हुए और ट्रेन पूरी तरह से भरा हुआ है पैसेंजर से और नरेटर दिल्ली जा रहे हैं। उन्हीं के साथ जो जो पैसेंजर है उनके बीच में डिस्कशन वगैरह शुरू होता है। देर आर 3 पठान ट्रेडर्स, ए सरदार जी एंड एन ओल्ड हिंदू रिलीजियस वुमेन, ए बाबू फ्रॉम पेशावर एंड मेनी अदर्स। द ट्रेन मूव स्लोली टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन, पैसेंजर स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर। सो जैसे ही ट्रेन शुरू होता है तो जैसे आप ट्रेन में देखते हैं
लोग एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते, तो सेम चीज ऐसा ही हो रहा होता है, लोग एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। एंड सरदार जी सेज द नरेटर दैट ही वॉज ए सोल्जर हु फाउट ऑन बर्मीज फ्रंट। सो जो सरदार जी रहते हैं वो नरेटर के अपोजिट साइड में बैठे रहते हैं और वो दोनों बातचीत करने लगते हैं और बताते हैं सरदार जी कि वो बर्मीज फ्रंट में लड़े थे एज ए सोल्जर, और साथ ही साथ वो जो न्यूली क्रिएटेड स्टेट बना है पाकिस्तान उसके बारे में, अली जिन्ना के बारे में, और जो भी किस किस टाइप से बॉर्डर का जो डिवीजन है वो कैसे कौन एरिया कहाँ जाएगा, इन सब के बारे में बात करते करते आगे जा रहे हैं। साथ ही साथ वो लोग इस बात को समझने के लिए इनकैपेबल है कि आखिर पाकिस्तान का क्रिएशन का पर्पस क्या है, क्यों पाकिस्तान क्रिएट किया गया, और ये लोग साथ बैठ करके जो भी पॉलिटिकल लीडर है उनका ये लोग हंसी मजाक भी उड़ाते हैं कि क्यों ये न्यू क्रिएशन किया गया। When the train crosses Zelam, the three Pathan traders start eating boiled meat and making fun of the Babu sitting silently. So, जब ट्रेन जेलम क्रॉस कर जाता है जो कि पाकिस्तान के एरिया में है, सो उसके बाद जो थ्री पठान ट्रेडर्स है वो अपना बॉइल्ड मीट निकालते हैं और खाने के लिए रेडी होते हैं, और साथ ही साथ जो बाबू वहाँ बैठे हुए हैं उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, हेयर बाबू ईट, यू विल बिकम स्ट्रांग लाइक अस, योर वाइफ विल बी प्लीज, ईट इट डालकोट, यू आर वी बिकॉज यू ओनली ईट डाल, एवरी वन लाफ इन द कंपार्टमेंट एक्सेप्ट द बाबू। तो इस टाइप से काफी वो स्लैंग लैंग्वेज का भी आपको देखने को मिलेगा स्टोरी में, यूज कर रहे हैं उनको, एक टाइप से प्रोवोक कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, फिर भी जो बाबू है वो साइलेंटली स्माइल करके वहीं पे बैठा रहता है। द ट्रेन स्टॉप्स एट वजीराबाद स्टेशन फॉर ए फ्यू सेकेंड, और कुछ देर जाने के बाद जब जेलम क्रॉस करता है ट्रेन, उसके बाद वो ट्रेन नेक्स्ट जो उसका डेस्टिनेशन है वो वजीराबाद है, वो भी पाकिस्तान में, सो वहाँ बस कुछ ही समय के लिए रुकता है। तो ये जो इंसिडेंट है, थोड़े समय के लिए रुकना, ये चीज थोड़ा सा जो भी अंदर पैसेंजर बैठे हैं उनको थोड़ा सा पैनिक करता है कि आखिर यहाँ ट्रेन रुका क्यों नहीं। सो द बाबू एंड द अदर पैसेंजर बिकम्स अवेयर ऑफ द न्यूज ऑफ द राइड ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ 1947। सो 1947 के बाद जो पार्टीशन, वो जो भी पैसेंजर वो पहले से भी अवेयर थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वजीराबाद में भी राइड छिड़ गया, और इसी कारण ट्रेन बस कुछ सेकेंड के लिए रुकती और फिर वहां से चल देती। द पैसेंजर इन द ट्रेन स्टार्ट क्लोजिंग द डोर एंड विंडोज ऑफ द ट्रेन, सारे जो पैसेंजर हैं अंदर वो पैनिक हो जाते हैं और धीरे धीरे वो सारे अपने विंडो और डोर को क्लोज करने लगते हैं। द चैटरिंग एंड गॉसिप अमंग द पैसेंजर चेंज इनटू साइलेंस एंड फियर, उसके बाद जो भी अंदर पैसेंजर है जो बातचीत कर रहे हैं वो सब चीज बंद हो जाता है और उस कंपार्टमेंट में बस साइलेंस और फियर देखने को मिलता है आपको। हिंदू हलवाई विथ हिज वाइफ एंड डॉटर एंटर्स द सेम कंपार्टमेंट, बट द हिंदू फैमिली इज स्क्रीम्ड बाय द पैसेंजर फॉर एंटरिंग द सेम कंपार्टमेंट। तो वजीराबाद में थोड़े सेकंड के लिए जो ट्रेन रुकता है उसी में एक हिंदू हलवाई अपनी वाइफ और डॉटर, जिसकी एज उसकी डॉटर का एज 16-17 बताया गया, तो ये लोग इंटर करते हैं, बट द हिंदू फैमिली इज स्क्रीम्ड बाय द पैसेंजर फॉर एंटरिंग द सेम कंपार्टमेंट। तो जैसे ये लोग इंटर करते, ये लोग भी एज ए माइग्रेंट वहां से पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं कि एनी हाउ वो लोग दिल्ली पहुंच सके, लेकिन ट्रेन ऑलरेडी फुल है, तो जो भी अंदर कंपार्टमेंट में बैठे पैसेंजर है वो सब उसको स्क्रीम करते हैं, उसको मतलब ट्रेन में चढ़ने से इंटर इस कंपार्टमेंट इंटर करने से रोकते हैं। एनी हाउ जो हिंदू हलवाई वो बताता है कि वो भी टिकट लेकर के चढ़ा है, सो एनी हाउ वो तो अंदर आ जाता है, लेकिन सून वन ऑफ द पठान ट्रेडर्स केक्स वन ऑफ ऑन द स्टोमक ऑफ द हलवाई वाइफ। लेकिन उसी में जो थ्री पठान ट्रेडर्स, उसमें से एक पठान ट्रेडर्स क्या करता है, वो एक लात मारने का कोशिश करता है उस हिंदू हलवाई के, लेकिन गलती से उसकी हलवाई की वाइफ को लग जाता है और वो वहीं पे कोलैप्स कर जाती है फ्लोर पे। द अदर थ्रोज देयर लगेज आउट ऑफ द ट्रेन एंड फाइनली द हिंदू फैमिली इज फोर्सफुली थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, और जो दूसरा रहता है वो उसके लगेज वगैरह को ट्रेन से बाहर फेंक देता है, एंड उस पठान जो ट्रेडर्स है वो सब मिल करके उस जो पूरे हिंदू फैमिली है उसको वो लोग बाहर कर देते हैं ट्रेन से। एंड देर इज नो वन टू चैलेंज द थ्री पठान, क्योंकि ट्रेन वजीराबाद में है, जैसे स्टोरी में है कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो ये चीज देख करके कोई भी जो पैसेंजर है वो मतलब जो थ्री ट्रेड मुस्लिम ट्रेडर्स है उसके अगेंस्ट नहीं जाते हैं कोई। द पैसेंजर इन द ट्रेन लर्न्स दैट वजीराबाद सिटी इज इन फ्लेम्स, दैट इज वाई देर वॉज रश ऑन द वजीराबाद स्टेशन। द पैसेंजर इन द ट्रेन कंटिन्यूज देयर जर्नी इन टेंस
एंड नर्वस सिचुएशन एक्सेप्ट द 3%। सो जो पैसेंजर्स है अंदर वो सब समझ जाते हैं कि क्यों बजीराबाद स्टेशन पे गाड़ी नहीं रुकी, क्योंकि वहाँ ढेरों सारा रस था, लोग छोड़ रहे थे। और द पैसेंजर इन द ट्रेन कंटिन्यू देयर जर्नी इंटेंस एंड नर्वस सिचुएशन एक्सेप्ट द 3%। तो तीनों पठान अपना रिलैक्स है, उन्हें पता है कि उनका वो डोमिनेटेड एरिया है, और बाकी जो पैसेंजर है वो सब नर्वस है और टेंस सिचुएशन में है। आफ्टर क्रॉसिंग सेवरल स्टेशन द ट्रेन क्रॉसेज हरबंसपुरा एंड सडनली द बाबू शाउट्स एक्साइटेडली, वी हैव क्रॉस्ड हरबंसपुरा एंड द पैसेंजर टर्न टू लुक एट हिम, दे हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग इन हिज माइंड। सो जैसे ही एक जो ट्रेन है वो जब हरबंसपुरा क्रॉस करती है तो जो बाबू बैठे हुए हैं उसमें एक डिफरेंट टाइप का एक्साइटमेंट आता है और वो जोर से चिल्ला देता है कि वी हैव क्रॉस्ड हरबंसपुरा। और बाकी जो भी पैसेंजर है वो उसको देखते हैं कि आखिर ये इतना तेज क्यों चिल्लाया। सो बाबू के दिमाग में ये है कि वो जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया उससे बाहर निकल गया, नाउ अब वो उसका एरिया शुरू हो रहा है। तो उसके दिमाग में ये चल रहा था, लेकिन ये चीज़ जो अदर पैसेंजर बैठे हुए हैं उनके दिमाग में ये बात सब नहीं आते। सो वेन द ट्रेन रीचेड एट अमृतसर स्टेशन द बाबू अगेन शाउट्स इन एक्साइटमेंट एंड सेज वी हैव अराइव्ड इन अमृतसर। और जब ट्रेन अमृतसर स्टेशन पर पहुंच जाता है तो फिर से बाबू जोर से चिल्ला उठते हैं कि वी हैव अराइव्ड इन अमृतसर। नाउ द बाबू बिगन्स टू अब्यूज एंड थ्रेटन द 3 पठान ट्रेडर्स। अब चूंकि उनका एरिया है हिंदू डोमिनेटेड और सिख डोमिनेटेड एरिया है, तो इस कारण अब इन्हें लगता है कि वो सेफ है बाबू को, और अब ये एग्रेसिव हो जाते हैं उत्तरी पठान पे और उनको अब्यूज करते हैं उन सब चीज़ों के लिए जो वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में कर रहे थे। तो उनका अब्यूज करते हैं, थ्रेटन करते हैं तीनों पठान ट्रेडर्स को। द बाबू वॉन्ट्स टू टीज देम अ लेसन वॉट दे डिड विन द ट्रेन वॉज इन पाकिस्तान, बट एनी हाउ द 3 पठान ट्रेडर्स मैनेज टू एस्केप फ्रॉम दैट। लेकिन एनी हाउ वो तीनों पठान वहाँ से बच निकलते हैं। द ट्रेन मूव्स फॉरवर्ड टू रीच दिल्ली, मीन वाई अ मुस्लिम हस्बैंड एंड वाइफ ट्राइज टू एंटर द कंपार्टमेंट। और जब ट्रेन अमृतसर के खुल के जो उसका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दिल्ली, वहाँ जाने के लिए तैयार होता है, तो उसी बीच में क्या होता है, अमृतसर में एक मुस्लिम हस्बैंड एंड वाइफ ट्राई टू एंटर द कंपार्टमेंट। एक मुस्लिम फैमिली जिनके साथ उनकी वाइफ है, ये लोग भी कंपार्टमेंट में एंट्री लेना चाहते हैं। द बाबू स्क्रीम्स एट देम एंड टेल्स देम देयर इज नो रूम हियर एंड गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। और इस समय बाबू अपने डोमिनेटेड एरिया में है, सो उसको धमकी देता है उस मुस्लिम फैमिली को कि देयर इज नो रूम हियर एंड गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। आफ्टर इंटरिंग द मुस्लिम मैन, और जब मुस्लिम मैन इंटर ले लेता है उसके लक मना करने के बावजूद भी, सो द बाबू गिव्स हिम अ शार्प ब्लो ऑन हिज हेड बाय एन आयरन रॉड। तो जो बाबू है उसके हाथ में एक आयरन रॉड रहता है और उसी आयरन रॉड से उसके सर पे मार देता है। एंड क्लोजेस द डोर, द मैन लूजेस हिज ग्रिप एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड द ट्रेन कंटिन्यूज इट्स जर्नी। और जैसे उसके सर पे लगता है तो उसका सर फट जाता है, सर ऑफ ब्लडिंग वगैरह शुरू हो जाता है और वो आदमी वहीं ग्राउंड पे गिर जाता है। और ट्रेन जो है वो अपना जहाँ जर्नी है, जो डेस्टिनेशन है, वहाँ वो चला जाता है। तो इस टाइप से इस स्टोरी का एंड होता है। सो डियर व्यूवर्स, दिस वाज द वीडियो रिकॉर्डिंग बिसम सैनी द ट्रेन हैज रीच्ड अमृतसर। होप इट विल सर्टेनली हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर